अजी या तो बनने हो तो इसमें 10-20 पेड़ ही मार देवे, इतने बड़े खेत में, ये खड़ में अच्छा जी। ये तो ढेर बढ़िया हिसाब है जी। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और भाई आज की इस वीडियो में हम आए हैं चढ़थावड़ के गांव में, आपको मिलाएंगे एक ऐसे प्रोग्रेसिव किसान से जिसने एक एकड़ में, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये उड़द की खेती कर रहे हैं जी, ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं और केले की खेती कर रहे हैं, ठीक है जी। और कुछ इन्होंने बाग भी, ये इन्होंने नींबू भी लगाए हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इस खेती के बारे में चर्चा करेंगे, ड्रैगन फ्रूट की। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहली खेती है जो ये इन्होंने कर रहे हैं, ठीक है जी। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों, आपकी बात किसान भाई से करवा देते हैं। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को अपना छोटा सा परिचय दो आप। नमस्कार जी, सभी को। मैं चरण सिंह सैनी, गाँव दुनिया जुड्डी, जिला मुजफ्फरनगर अच्छा रहने वाला हूँ। हाँ, तो मुझे नई नई चीज हुई खेती करने में अच्छा लगता था पहले से ही। अच्छा अच्छा जी। उससे पहले मैं स्ट्रॉबेरी खरी, उसमें लॉन्स खाया। अच्छा। और एप्पल बेर लगाए, उसमें भी अच्छे नहीं हिसाब मुझे दिखाई दिया। अच्छा। अब उसके बाद में यूट्यूब पे मंड रहा था मैं, तो मैं ये पेड़ देख लिया यूट्यूब पे, ड्रैगन फ्रूट का। अच्छा अच्छा। इसमें बताया इतनी अच्छी आमदनी है, तो मैं इसे दखे खा दिया। अरे तो इसे देखना चाहिए इसे, फिर मैं कलकत्ते से मुझे ये पेड़ मिला। कलकत्ते से मंगाए? हाँ, डॉक्टर साहब के पास से। हाँ, तो मुझे खुद ही गया वहाँ पे कलकत्ते ही। कलकत्ता गए थे खुद ही? अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं कलकत्ते गया, वहाँ से यह पौधा लाया। और जब यहाँ पे ऐसे पेड़ को लगाया तो आदमी सभी हंस रहे थे, बोले झाट लगा दिया क्या लगा दिया। तो मुझे इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला वैसे। अच्छा अच्छा। हाँ, अब जैसे तीसरी लहर चल रही है वैसे, साल तो इसे चार बोली है, अब तीसरी बार तीसरे साल तो इस पे तोड़ चल रही है। तोड़ चल रही है। एक एकड़ में कितना खर्चा आ गया होगा आपका इसमें? इसमें तो जी उस टाइम पैसा आ लिया था 5.5-6 लाख रुपए। एक एकड़ में इतना खर्चा होगा इस पे? उस टाइम तो इतने आया। अच्छा। जी तो वैसे डाउन है जो भी है। अच्छा, मतलब सबसे ज्यादा किस चीज पे खर्चा था? पिलर पे? वो पिलर पे भी खर्चा बहुत था। और जो हमारे पेड़ आया था 225 रुपए पेड़ आया था हमारा। ये 225 रुपए की पौध? 225 रुपए पेड़ आया था। ये तो अनेडी पढ़ने में सोच लो, हमें जब लिया था हमने। नहीं तो 35-40 रुपए में मिल जाए, कोई कोई तो 20 रुपए में भी दे दे। 20 रुपए वाले कैसे? अब 20 रुपए वाले तो भी जैसे हो रहे जो नीचे इसमें यहाँ पे मोड़ फूटती है हमें। अच्छा अच्छा। ये छोटी छोटी हमने ये खाट खाट है नीचे डाल दी है यहाँ से, इस तरह की हमने तो ये धरती में दाब दे। और कुछ आदमी इसे बेच ले, उसमें प्रॉफिट बना ले। और किसान का क्या हो जो ले जा? वो सौड़ो सीधा हो जा, जो भी हो गया वैसा उस पर माल नहीं आता। और जो पेड़ जी पत्ते नहीं तो खट्टे, तो वो पत्ता मैदा ही मिले यहाँ से। अच्छा, जो अच्छा। इतने इतना खट्टे खटीन हो तो वो मैदा ही मिले जी। तो ये 40-50 हज़ार का, ये 40-50 रुपए का मिले? हाँ, इस टाइम पे 50 रुपए का रेट चल रहा है इस पत्ते का तो। अच्छा, तो आपकी क्या सलाह है जो किसान इसको लगाना चाहता है, इसकी पहचान कैसे करे? पत्ते का है, जड़ का है? वो पहचान तो है, जो मंदा दे रहा तो जो मोड़ी दे रहा वो पन्नी में पलोथीन में पैक कर दे, तो वो मोड़ी दे रहा जी। जो 20-25 रुपए दे रहा मोड़ दे रहा, पत्ता नहीं देना। अच्छा अच्छा। अब पत्ते पे यहाँ पे इस पे हर कंटे पे फूल आवे, ये कंटे है जो इन पे हर पे फूल आवे। इस पे अगले साल 2-3 पीस आ लिए तो 200-250 रुपए हो ये पत्ता, हो लिया 200 रुपए हो लिया। सही बात है। अब इसे 50 रुपए में बेचे तो नुकसान है फिर भी। अच्छा, अब आप ये बताओ एक एकड़ में कितना निकल जाए हो 2 साल के बाद? 2 साल के बाद एक पेड़ ऐसा दे रहा जी, इस टाइम पे हमारा जो 5-6 किलो हो उसका ना रहा, 5-6 किलो 7 किलो भी दे रहा। अच्छा, क्या भाव चला जा? एवरेज तो हमारा तो 400 रुपए जा रहा है जी खेत में, तो सब हिंदे उठ जा हमारा 400 रुपए। यहाँ कोना वे लेन? यहाँ पे दुकानदार भी आवे, VIP दुकानदार भी, और भाई खाने वाले बहुत आवे यहाँ पे लेने वाले। 400 रुपए। हाँ, एक एकड़ में क्या उत्पादन हो जाए इसका क्विंटल के हिसाब से अगर बताओ आप? क्विंटल के हिसाब से जी, पिछले साल तो जी मैं क्विंटल तो लिया नहीं, मैं एवरेज लिया पैसों में। अच्छा। पिछले साल 80-85 हज़ार का होया था जी। 1,85,000। हाँ, उससे पहले होया था जी वो 90-95 हज़ार रुपये। अच्छा, पहले साल में। अच्छा, एक ये भी कहावत है भाई साहब इसकी, एक बार लगाओ और 25 साल तक छुट्टी। क्या सही है? ये तो बात सही है जी, 25 साल छुट्टी है इसमें लगाई। 25 साल तक छुट्टी है जी। अच्छा, अब बात करते हैं, आपने केला भी लगाया है और उड़द भी लगाया है इसमें जी। आलू भी लगाए पहले, प्याज भी लगाई, और जी मिर्च भी लगाई। अच्छा, अरे मेरी उड़द तो इसमें हो ही जाओ, उड़द भी बोले बरस भी बोले। अच्छा अच्छा, आराम आराम चलिए जी। अच्छा, तो मतलब इसे नुकसान नहीं होता सह फसली खेती? नहीं, कोई नुकसान नहीं है जिसमें, जैसे हमने केला भर दिया। अच्छा, केला का हिसाब भी बहुत बढ़िया, सब्जी में जो केला जा रहा मेरा 40 रुपए किलो 35 रुपए किलो जा रहा जी। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया। अच्छा भाई साहब, आपके पास जमीन कितनी है? जमीन तो जी मेरे बांट में तो आ रही 5 बजे।
बस एक ही एकड़ जमीन आ रही है जी। अच्छा, आपने हिम्मत बहुत दिखाई, एक एकड़ के किसान हो गए भी नई नई वो करो। बस जी डेढ़ सा कुछ, डेढ़ सा, हाँ डेढ़ सा रखना पड़े। अच्छा अच्छा अच्छा, वो स्टीविया वालों का किस्सा सुना दो, क्या बता रहे थे, पौध तो बेच दिए फिर आपका स्टीविया लिया नहीं। पौध लाया था जी, मुझे मिली थी हरिद्वार का ज्वेलर था कोई। अच्छा, हरिद्वार का ज्वेलर था, 20-22 साल पहले की बात है। तो उससे थ्रू मुझे पौध मिले थे स्टीविया जी, वो लगा लिए पौध, पेड़ लगा लिए, पत्ते वो लिए तैयार। अच्छा अच्छा, तो उन्हें देने का नंबर आया तो उन्होंने कर दी, मैंने बोला भाई इस साल तो लेते नहीं, अगले साल ले गए दूसरे साल। अच्छा, अब दूसरे साल जब देने का नंबर आया फिर तो उन्होंने हाथ उठा दिए। अच्छा, तो सारा लॉस होया, मैं उसे ले है स्टीविया हूँ करनाल जी मंडी पंजाब में अरजी सहारनपुर में सर यहाँ ले फिरा, उसे किसने ली नहीं। हाँ, तो आप बाई बैक के चक्कर में फंस गए। बस वो फ्रॉड बाजी है थी, अब उसमें भी मुझे बहुत बढ़िया लॉस होया, वो भी 5-6 बजे लगा रखी थी मैंने, उसमें भी बहुत बढ़िया लॉस होया। तो क्या करा फिर स्टीविया का? बस जी खेत में जेरी जड़ा दी और क्या करता जी, जला दी, जला दी उसे। तो किसान भाई इन फ्रॉडों से कैसे बचे? हाँ भाई, आपके साथ तो हो गया, और किसानों का नुकसान ना हो, क्योंकि एक एकड़ का किसान तो बहुत ही छोटा हो, उसकी इतनी पहन की वो नुकसान सह सके जी। जी सर ड्रेजन जी, फ्रॉड तो बचना, तो वो अपने नजरों के सामने पेड़ की कटिंग लेवे, इतने एक फुट की जितनी भी लेनी, आधी फुट की पेड़ की लेवे नजरों के सामने, नजरों के सामने लेनी चाहिए, सही बात तो यह है। और जो तेरे हम 20 रुपए पेड़ा दे रहे पन्नी में तैयार या 25 रुपए पेड़ा तो दे रहे, वो फ्रॉड बाजी है। अच्छा, 20 रुपए का पौध मिलती नहीं, मिलती नहीं है, कम से कम 50-60 रुपए की मिलेगी पौध ढंग की, जो पौध है वो तो पत्ते पे तो कटिंग जी वही मिलेगी। अच्छा, ये आपके पास जो वैरायटी है भाई साहब कौन सी है? ये रेड है जी, रेड जी। अच्छा, तो आप ये फल बेचते हो, ये पौध वगैरह बेचते हो उसकी? हम पेड़ भी वो पौधे बेचते हैं जी और फल भी बेचते हैं। अच्छा, दोनों से इनकम कितनी हो जाती है सालाना जी? तो एक एकड़ से पूरी जोड़ के बता दो, तीनों फसल होगी जी? तो बढ़ती जा रही है साल हर साल, पहले समय 80-90 हजार जी हुई, फिर 2 लाख रुपए जी हुई, ऐसी होली 4 लाख के आसपास की, अभी और भी माल तैयार है। अच्छा, जैसे कि हम बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, हमारे यहाँ गन्ना बेल्ट है जी, तो गन्ना को मार दे दे क्या अजी? या तो गन्ने हो तो इसमें 10-20 पेड़ ही मार दे, वे इतने बड़े खेत में में। अच्छा जी, ये तो ढेर बढ़िया हिसाब है जी, एक एकड़ में जाए तो गन्ना निकल जाएगा कितना का? 60-70 हजार रुपए का? हाँ, 70 प्रॉफिट की बात हो रही है। हाँ, बस इतना ही है जी, 60-70। तो गन्ने से बढ़िया है, ढेर बढ़िया जी, एक बार लगाओ, थोड़ी सी महंगी तो खेती है। बस एक बार इतनी महंगी है जी, तो बहुत मंदी है, तो पिलर भी आवाज में इतने टैलेंट हो रहे, पिलर भी अपना आप खुद बना ले, अब तो किसान अच्छा बोलने की जरूरत नहीं है। और पेड़ भी मंदा ही है, हमें तो 225 रुपए मिला, हम तो 50 रुपए दे रहे। आपको 225 मिला? हमें 225 मिला, हम तो 50 रुपए में देते। और अब उनके नजरे सामे, नजरों से सामे जो से पत्ता खे वे वही कटिंग कर देते हो जी। चलो, ऐसा भी नहीं है भाई। अच्छा, कोई किसान भाई आपसे जानकारी लेना चाहता है, पौध लेना चाहता है, एक तो अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दो। अच्छा, ठीक है, जो भी आए उनकी सहायता कर देना थोड़ी सी जी। जी 90-27-17-66-80। अच्छा, 90-27-17-66-80 ये नंबर है। चलो बहुत बढ़िया जी, ठीक है जी। तो भाई आज की इस वीडियो में हमने आपको किसान भाई से मिलवाया, अगर आप ड्रैगन फ्रूट के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर इनसे संपर्क करें, और आप इनसे पौध भी खरीदें, ठीक है। मुजफ्फरनगर मेरठ के जो भी आदमी है उनको हरियाणा और कलकत्ता जाने की जरूरत नहीं है, इन भाई से भी पौध खरीदें, छोटे किसानों की हेल्प करें, इनका प्रोत्साहन बढ़ाएं। धन्यवाद।